गुरुवार के बाद अगर आप नजर डालें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी आज पूरा लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन अक्टूबर तो 1% से ज्यादा लुढ़क चुका है, सोयाबीन पर धोनी मार पड़ती दिखाई दे रही है, लगातार गिरावट के अंदर कारोबार कर रही है। ये कमोडिटी नवंबर वायदा भी 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,000 के ऊपर बिकने वाली सोयाबीन आज 5,000 के घरों में काम करती दिखाई दे रही है। तो सोयाबीन में जबरदस्त गिरावट आई है और अब ये गिरावट यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जो लेवल है सोयाबीन के वो 5,500-5,800 की रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी 6,000 के नीचे ही बने रहने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर बात करें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, तो उसमें भी तेजी नहीं है, उसमें भी एक सीमित दायरा फिलहाल दिखाई देता है, 1,400 के नीचे है। 1,320 से लेकर 1,400 की रेंज फिलहाल बनती हुई नवंबर वायदा में देखने को मिल सकती है।